बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को पड़ी फटकार। कंगना रनौत के बयानबाजी को लेकर चुप्पी साधने के लिए अक्षय कुमार की लगी क्लास। मुंह पर ताला लगाने को लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे आए शिवसेना के निशाने पर। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बॉलीवुड सितारों की निंदा की। पूछा कि आखिर क्यों कंगना रनौत के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा, क्यों चुप है बॉलीवुड। कंगना को इनडायरेक्टली नटी कहकर शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। सितारों की चुप्पी अब शिवसेना को नहीं हो रही बर्दाश्त। दरअसल शिवसेना ने सामना के जरिए कंगना पर मुंबई के अपमान का आरोप लगाया है। कहा गया है कि कंगना ने मुंबई पुलिस की तुलना बाबर से की, शहर को पीओके बताया। लेकिन फिर भी बॉलीवुड का एक तबका इस पर चुप्पी साधे बैठा रहा। सामना में अक्षय कुमार पर लिखा गया है कि अक्षय को मुंबई ने काफी कुछ दिया है, उन्होंने सपनों के शहर में सक्सेस पाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कंगना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मुंबई का अपमान होता रहा लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। वो लिखते हैं, संपूर्ण नहीं, कम से कम आधे हिंदी फिल्म जगत को तो मुंबई के अपमान के विरोध में आगे आना चाहिए था। कंगना का मत पूरे फिल्म जगत का मत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। कम से कम अक्षय कुमार आदि बड़े कलाकारों को तो सामने आना ही चाहिए था। कंगना विवाद के बहाने सेना ने पूरे बॉलीवुड पर भी सवाल खड़े कर दिए है। लेख में लिखा है, दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में है। मुंबई का जब अपमान होता है ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। मुंबई का महत्व सिर्फ दोहन या पैसा कमाने के लिए ही है, फिर मुंबई पर कोई प्रतिदिन बलात्कार करे तो भी चलेगा। इन सभी को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है, इसीलिए सड़क पर उतरकर भूमि पुत्रों के स्वाभिमान के लिए राड़ा वगैरह करने की आवश्यकता आज नहीं है। जब बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी तब कंगना ने इसे राम मंदिर से जोड़ दिया था। इसे लेकर अब सामना ने लेख के जरिए सिर्फ और सिर्फ कंगना का एक ड्रामा बताया है। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र की राजधानी को ग्रहण लगाने का प्रयास एक बार फिर शुरू हो गया है। ये ग्रहण बाहरी लोग लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें मजबूत बनाने के लिए परंपरा के अनुसार बीच के दौर में मुंबई को पाकिस्तान कहा गया। मुंबई का अपमान करने वाली एक नटी के अवैध निर्माण पर महानगर पालिका द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाद मनपा का उल्लेख बाबर के रूप में किया गया। मुंबई को पहले पाकिस्तान, बाद में बाबर कहने वालों के पीछे महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, इसे दुर्भाग्य ही कहना होगा। वेल, शिवसेना वर्सेस कंगना तो चल ही रहा है, लेकिन अब सामना के इस लेख के जरिए बॉलीवुड पर भी उंगली उठा दी गई है। क्या इसमें शिवसेना चाहती है कि बॉलीवुड एक होकर कंगना के खिलाफ हो जाए? क्या इस लेख को पढ़कर बॉलीवुड स्टार्स अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कंगना के ओपिनियंस इस बारे में क्या होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर कौन क्या कमेंट करेगा या करेंगी, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी।